हेलो दोस्तों, मैं बबलू, कार मैकेनिक, पंतनगर से। आज हम बात करते हैं गाड़ी के शॉकर पर। शॉकर का क्या काम होता है, कैसे काम करता है, और जब ये ख़राब हो जाता है तो इसमें क्या इसकी पहचान है ख़राब होने की। तो दोस्तों, सबसे पहले तो शॉकर जब ख़राब हो जाएगा तो ये लीक कर जाएगा। ये जो इसका लिक्विड है, ये ख़राब हो गया है तो ये लीक कर गया, सारा बाहर आ गया। इससे गाड़ी जो शॉकर एकदम फ्री हो जाता है और गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा जंप करती है, और बाद में फिर ये लिक्विड निकलने के बाद में जाम हो जाता है एकदम ठस, तो जंपिंग भी बंद कर देता है। तो शॉकर जो है गाड़ी के आपको हर 50-60 हज़ार किलोमीटर पर चेक कराने चाहिए, और ख़राब शॉकर जो होता है वो गाड़ी की बॉडी को भी नुकसान करता है, और इसकी जो बुश वगैरह है इसको भी चेक कराते रहना चाहिए। उससे गाड़ी का स्टीयरिंग भी बढ़िया कंट्रोल में रहता है और गाड़ी जंपिंग भी बढ़िया करती है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।